तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये जो वीडियो आज हम आपको देने वाले हैं, ये बैटरी टेम्परेचर लो शटडाउन। जैसे हमारे पास बहुत ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं जिस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती हो, चार्जिंग की प्रॉब्लम में उसमें ऐसा मैसेज लिख करके आता है बैटरी टेम्परेचर लो शटडाउन। अगर ऐसा मैसेज आता है तो उन प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, आज मैं आपको उसके बारे में आपको वीडियो पूरा आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा ट्रेसिंग का टॉपिक चल रहा है, ट्रेसिंग के टॉपिक के ऊपर हम आपको चार्जिंग के ऊपर पूरा डिटेल से वीडियो दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो काफ़ी दिनों से वीडियो के बारे में देख रहे हैं तो उनको चार्जिंग मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खासा समझ में भी आ गया है और चार्जिंग की काफ़ी परेशानी है, जिस परेशानी को ठीक भी कर पा रहे हैं। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि मेरे पास सर जी चार्जिंग की ऐसी प्रॉब्लम आई थी, मैंने आपकी वीडियो के माध्यम से देख करके चार्जिंग की समस्या को हल कर लिया और बड़ा अच्छा लगा। तो इस वीडियो के माध्यम से उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिल रहा है जो आज सीख करके बहुत अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन आते हैं, उस मोबाइल फ़ोन को जब हम चालू करते हैं या चार्जिंग पर लगाते हैं तो चालू तो होते हैं, उसमें बैटरी टेम्परेचर लो शट डाउन करके मैसेज आता है और फ़ोन हमारा बंद हो जाता है, यानी टाइमिंग का काउंटडाउन चालू हो जाता है। तो हम लोग इसके बारे में मैं आपको पूरा सर्किट समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि ये मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम, जैसे आज मैं आपको जियो के फ़ोन में एक हमारे पास प्रॉब्लम आई थी उसको हम लोगों ने रिपेयर किया है और मैं आपको उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मान लिया बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर का एक हिस्सा पॉइंट जो इसका होता है ये निगेटिव होता है और एक पॉइंट जो रहता है ये आपका, इसको आप NTC का लाइन भी कह सकते हैं या इसको BSI का लाइन भी कह सकते हैं। इस लाइन में सप्लाई यहाँ पर जाता है, एक गोला बना होता है, इस गोले को हम लोग NTEC पॉइंट भी बोलते हैं। इसके लाइन में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, थर्मिस्टर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, उसके बाद सप्लाई तुम्हारी पावर IC तक सप्लाई चली जाती है और एक सप्लाई जो होती है जिसको हम लोग VBAT बोलते हैं। तो आपके पास यदि कोई मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है तो टेम्परेचर की प्रॉब्लम के लिए क्या रहता है कि हम लोग क्या काम करते हैं कि उसका NTC की जो सप्लाई होती है, अगर NTC की सप्लाई ख़राब हो जाएगी, जियो के फ़ोनों में खासतौर पर ऐसा होता है कि अगर आपके NTC की सप्लाई ख़राब हो जाएगी तो आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी टेम्परेचर लो शट डाउन का मैसेज आएगा। मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे तो फ़ोन चालू होगा और चालू होने के बाद बैटरी टेम्परेचर लो शट डाउन और फ़ोन हमारा बंद हो जाएगा। तो इस परेशानी को ठीक करने के लिए हम लोगों को करना क्या होता है कि उसके BSI जो लाइन होता है, यानी NTC का लाइन होता है, उस NTC की लाइन को हम लोगों को क्या करना होता है, चेक करना होता है। जैसे आप इस NTC की लाइन होता है, इस NTC की लाइन को चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको वैल्यू आनी चाहिए। अगर वैल्यू आती है तो लाइन सही है, वैल्यू नहीं आती तो लाइन ख़राब है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स उठा करके यहाँ पर अगर आप जंपर मार देते हैं तब भी आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आपकी समस्या ठीक हो जाती है और मोबाइल फ़ोन आपका चालू हो जाता है। उसके बावजूद भी समस्या सेम रहती है तो फिर आप इसके लाइन में लगे रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। ये रेजिस्टेंस पर आपको या तो आपको चेंज करना पड़ेगा या तो पहले का नॉर्मल लगा होता है, मतलब फ्यूजिबल रेजिस्टर लगा या 1 किलो ओम से नीचे लगा होता है रेजिस्टेंस लगा के आप देख सकते हैं, नहीं तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो हम लोग ये NTC पॉइंट पर जंपर मार देंगे। NTC पॉइंट पर जैसे जंपर मारते हैं तो हमारी चार्जिंग की प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। अब मोस्टली जो कीपैड के मोबाइल फ़ोन आते हैं उसमें अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है या जियो के मोबाइल फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग आसानी से हल कर लेते हैं। अब मैं आपको बोर्ड पर दिखाता हूँ कि बोर्ड पर ये पॉइंट आपको कैसे दिखाई देता है। मैं इस पॉइंट को बोर्ड पर दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन का ये बोर्ड दिया हुआ है, इस बोर्ड में देखेंगे कि ये पॉइंट्स आपको जो दिए हुए हैं मैं आपको पूरा जंपर से इंडिकेट करके दिखाता हूँ। ये आपका बैटरी कनेक्टर का पॉइंट दिया हुआ है, बैटरी कनेक्टर के पॉइंट में ये वाली जो सप्लाई है ये आपकी पॉजिटिव है, सॉरी ये वाली जो सप्लाई है ये निगेटिव है, ये वाली सप्लाई पॉजिटिव है क्योंकि इसमें प्लस माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस है तो ये वाला पॉइंट माइनस हो जाएगा। अगर माइनस ख़राब हो जाता है तो माइनस को उठाकर ग्राउंड पर कहीं भी आप जंपर मार देंगे आपका काम हो जाएगा। यदि प्लस से ख़राब हो जाएगा तो प्लस से उठा करके आप इस VBAT पॉइंट पर जंपर मार देंगे, इसको VBAT का पॉइंट बोलते हैं। और ये आपका देखेंगे तो ये आपका जो पॉइंट दिया हुआ है ये तुम्हारा NTC का पॉइंट है। किसका पॉइंट है दोस्तों? NTC का पॉइंट है। इस NTC के पॉइंट में देखेंगे यहाँ से सब आप उठाएंगे जंपर,
ये जंपर उठा हुआ है, यहाँ से उठा करके जंपर आप इस पॉइंट पर मार देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी टेम्परेचर लो की समस्या जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर उसके बावजूद भी समस्या सेम रहती है तो यहाँ से सप्लाई यहाँ से होते हुए रेजिस्टेंस हो जाती है और रेजिस्टेंस से होते हुए सप्लाई आगे चली जाती है। तो अगर कल को तुम्हारे इसके लाइन का ये वाला रेजिस्टेंस अगर ख़राब हो जाएगा तब भी आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आएगी कि बैटरी टेम्परेचर लो, शट डाउन, ऐसा मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो आज दोस्तों मैंने आज की वीडियो में बताया है कि हमारे पास जो बैटरी टेम्परेचर लो शट डाउन की जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे प्रॉब्लम को हल करते हैं, या बैटरी टेम्परेचर लो शट डाउन की जो समस्या जो जियो के मोबाइल फ़ोन में आती है या अदर कीपैड मोबाइल फ़ोन में समस्या आती है तो इस समस्या को कैसे हल किया जाता है, इसके बारे में दोस्तों मैंने आज आपको वीडियो दिया हुआ है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो हमारा मोबाइल फ़ोन में जो टॉपिक था वो बैटरी टेम्परेचर लो शट डाउन के ऊपर मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। तो इस सर्किट को पहले सबसे पहली बात क्या है, इस सर्किट को जितने भी सारे स्टूडेंट हैं इसका एक फ़ोटो कैप्चर कर लें। अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास ऐसा मोबाइल फ़ोन आएगा, ऐसी समस्या के लेकर के आपके पास मोबाइल फ़ोन आएगा तो उस समस्या को आप मोबाइल फ़ोन में हल कर पाएंगे और उसको आसानी से ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को सारा पूरा देखें, इसके संबंधित चार्जिंग से संबंधित मैंने और भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल रखे हैं, उन वीडियो को अच्छे से वॉच करें और वॉच करने के बाद आप एक एक करके सारी चीज़ों को सीखें। उसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज मैं आपको बताऊं कि कम से कम मेरे पास 20 से 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैं आपको उनको लोगों के बारे में एक एक करके सिखा रहा हूं, तो वो लोग पूरा नोट्स बना रहे हैं, वीडियो के माध्यम से पूरा सीख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाने के बाद वो मैसेज कर रहे हैं या मुझे भी पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर देखिए मैंने ये आपके वीडियो के माध्यम से सीखा हुआ है, इसको कॉपी में नोट करके हमको भेजते हैं। हमको भी बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब हम आपको जो सिखा रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा है और उसके आप नोट्स भी बना रहे हैं, उसके माध्यम से आप सफल भी हो रहे हैं और चार चीज़ों को सीख भी पा रहे हैं। और उन्हीं वही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कम्प्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो अपने ट्रेनिंग सेंटर को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा 45 दिन का कोर्स सिखाया जाता है जहाँ पर आपको बेसिक फ़ोन से लेकर एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन, आईफोन, टैबलेट सभी फ़ोनों के बारे में आपको पूरा कम्प्लीट ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन के बारे में, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, MMC प्रोग्रामिंग है, टच ग्लास काम्बो है, उसी रिपेयरिंग है, पूरा फुल ट्रेनिंग आपको मिलता है। ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर स्टेशन से पास में एक सागर मार्केट एक जगह पड़ती है जो मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर दुनिया जान के सारे मोबाइल फ़ोन ठीक होने के लिए आते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे पास एक लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स सीखने के लिए आए थे, सुरेंद्र जी, जिनका सुरेंद्र नाम था, और वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का सीखने का उन्होंने प्लान ऐसे बनाया कि वो पहले मतलब पैथोलॉजी में काम करते थे, पैथोलॉजी में काम करने के बाद उनको 8,000-10,000 रुपये सैलरी मिलता था और उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो कुछ अपना बिजनेस किया जाए। तो उनके फ्रेंड ने एक उनको बोला कि यार तुम कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हो तो अपना मोबाइल फ़ोन का काम सीख लो, भाई तुम डॉक्टर तो हो नहीं जो पैथोलॉजी में करके कुछ बड़े अच्छा काम कर पाओगे। तो फिर वो आज मेरे पास कोर्स सीखने के लिए आए थे, उन्होंने कोर्स को अपना ज्वाइन किया, समझा, कल परसों से अपना क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। उन्होंने बोला कि सर मैं जब जॉब करता था तो मुझे 8,000-10,000 की जॉब मिलती थी और जॉब मिलने के बाद जब मेरी जॉब छूट गई तो मैं फिर पीछे चला गया। तो फिर हमारे दोस्त ने या मैंने खुद डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं कुछ अपना काम सीख लूँ, अगर मेरे हाथ में कोई स्किल आ जाएगी, कोई हुनर आ जाएगा तो मुझे जॉब के लिए इन सब कामों के लिए मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। तो मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ जो आज किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको कभी परेशानी आ रही है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, या काम की तलाश में हमेशा ढूंढते रहते हैं, अगर आपको लाइफ में एक जगह स्ट्रगल होना है, एक जगह अपने स्ट्रगल को ख़त्म करना है या एक लाइफ में एक जगह पर सेट होना है तो ये बात समझ लीजिए कि आपके हाथ में कोई ना कोई हुनर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हाथ में हुनर होगा तो आप किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं रहेंगे। और अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से मैं आपको बताऊं, आजकल दौर पर देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसको बहुत कम पैसों में, बहुत कम खर्चे में और बहुत कम समय में सीखा जा सकता है। दूसरी बात क्या है, इस बिजनेस की बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई यूजर नहीं है जो मोबाइल फ़ोन के बारे में ना जानता हो। आजकल मोबाइल फ़ोन में अगर देखा जाए तो हर एक आदमी का सबसे पहला पैशन जो होता है वो अच्छा मोबाइल फ़ोन, हर एक आदमी की सबसे पहली ज़रूरत होती है एक अच्छे मोबाइल फ़ोन। अगर मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाए तो आदमी के लिए सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है मोबाइल फ़ोन ख़रीदना। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी आजकल के टाइम पर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अगर ये ख़राब हो जाती है तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए आपके पास लोग आएंगे और आपको काम हमेशा मिलता रहेगा।
ये बहुत कम समय का कोर्स है, मात्र 45 दिन का है या 3 महीने तक का ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है। जो लोग कम समय देते हैं तो उनको 3 महीना सीखने में लगता है, जो लोग अपना 8 घंटे या फुल डे ट्रेनिंग लेते हैं तो इसी कोर्स को पूरा 45 दिन में सीख जाते हैं। ए से लेकर जेड तक पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी चीज़ों के बारे में सीख करके अच्छी तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के शॉप को चलाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहें, चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग वीडियो देखते हैं ना, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से मैसेज आपको हेल्प मिलती है तो आप एक पॉजिटिव मैसेज जरूर किया करें, वीडियो को शेयर करें। अगर हम आपको कहीं ना कहीं सिखाने में मदद करते हैं तो आप भी हमको सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।